So hey guys, this is KD from Science Prati and welcome to our channel. So ye video hai snakes ke bare mein. And for this video, we would like to thank the Indian Snakes Organization for supporting this video. If you love snakes, do check out their website. Link in the description. So snakes easily India ke duniya ke sabse zyada misunderstood creatures ho sakte hain. Aur is image ko badhawa dene ka kaam Bollywood ne bahut acche se kiya hai. उस पर बाद में बात करते हैं. First let's talk about snakes. So here in India, we have snakes that are fast on land, snakes that are excellent climbers, snakes that are great swimmers, and snakes that can actually glide. और अब snakes की सबसे scary quality. Not that one. Snakes are poisonous. What? Snakes are poisonous, right? Okay, तो snakes are venomous. तो venom और poison में ये फर्क है कि poison को effect करने के लिए उसे skin या oral route से जाना पड़ता है, जबकि venom को directly bloodstream के through enter करना पड़ता है, जैसे कि एक snake bite. लेकिन कुछ snakes poisonous भी होते हैं, जैसे कि ये, the Japanese tiger killback, जिसके neck region में nuchal glands होते हैं, जिससे एक poison secrete होता है. So here in India, we have around 300 snake species, जिसमें से शायद 10% ही humans के लिए harmful है, और इनमें से भी ज़्यादातर समंदर में रहते हैं, जैसे sea crane, या फिर काफी deep forests में रहते हैं, जैसे काफी pit vipers, जो human के contact में कभी नहीं आते हैं, और कुछ सांप हैं, जैसे king cobra, जो human के contact में आते हैं, लेकिन वो भी काफी कम ही रहते पाए जाते हैं. अब जिन सांपों से आपको सावधान रहना चाहिए, वो है the big four. The big four ऐसे चार सांप हैं जिनकी population देश भर में काफी अच्छी संख्या में है. तो this guy here is a soft-scaled viper. इसके छोटे साइज पे बिल्कुल मत जाना. Soft-scaled vipers can have the fastest striking speed. The next one is a cobra. Cobras को पहचानना आसान है. And no, cobra के सर में कोई नाखूनी नहीं होता. The next one on the list is the rhesus viper. रसूस वाइपर को आप उसके चेन पैटर्न से काफी इजीली पहचान सकते हैं. रसूस वाइपर्स के फैंग्स इंडिया में द लार्जेस्ट है. एंड फाइनली द कॉमन क्रेट. इसके वाइट के रिकॉर्ड्स कम होते हैं क्योंकि ये ज्यादातर रात को एक्टिव होता है और शांत स्वभाव के होते हैं. वेट, ये तो सिर्फ चार स्पीशीज है, यानी कि 300 में से शायद ही कोई सांप है जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है. तो हम सांपों से इतना डरते क्यों है? जवाब है एवोल्यूशन. तो प्री हिस्टोरिकली हमारे एंसेस्टर्स सांपों के लिए प्री स्पीशीज हुआ करते थे, एंड वेनम के रहते वो सांपों से ज्यादा सतर्क रहने लगे. ये बिहेवियर पास ऑन हुआ नेक्स्ट जनरेशन को, मेकिंग देम इवन मोर स्केयर्ड अबाउट स्नेक्स. एंड ओवर द इयर्स इसी डर ने सांपों के प्रति काफी सारी सुपरस्टिशंस का इजाद किया. अब स्नेक बाइट की वजह से काफी सारे लोगों की जाने जाती है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा स्नेक्स लोगों के हाथों मारे जाते हैं, या तो रोड किल के शिकार होते हैं या फिर हैबिटेट लॉस सफर कर रहे हैं. और ऐसे मुश्किल समय पर स्नेक्स की मदद करने के लिए कुछ लोग सामने आए, और उन्हें हम कहते हैं सर्प मित्र. तो एक सर्प मित्र यानी एक स्नेक रेस्क्यूअर की जॉब काफी डिफिकल्ट हो सकती है. उन्हें टफ कंडीशंस में स्नेक्स को रेस्क्यू करना पड़ता है जो पोटेंशियली डेंजरस हो सकते हैं, और इस काम के लिए कई स्नेक फ्रेंड्स पैसे भी नहीं लेते. लेकिन इस नोबल जॉब को कई लोगों ने फेसबुक पर लाइक्स पाने का एक जरिया बना लिया है, और इसी लाइक्स की भूख में वो स्नेक स्टंट्स करने लगे. अब ऐसी हरकतों को रेस्क्यू कम्युनिटी में काफी बुरा माना जाता है. सो स्नेक रेस्क्यूअर्स नीड टू फॉलो अ प्रॉपर स्नेक रेस्क्यू प्रोटोकॉल, जैसे कि वेयर प्रॉपर फुटवेयर, यूज प्रॉपर इक्विपमेंट, रिलीज द स्नेक एज सून एज पॉसिबल विदिन अ 2 किलोमीटर रेडियस. और प्रोटोकॉल ना फॉलो करने की वजह से काफी सारे रेस्क्यूअर्स खुद स्नेक बाइट का शिकार हो जाते हैं. अब स्नेक बाइट से याद आया कि स्नेक बाइट के केस में आप क्या कर सकते हो. सो स्टेप 1, काम डाउन. पैनिक करने से आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, जिससे जहर और जल्दी फैलेगा. डू नॉट ट्राई टू किल द स्नेक एंड टेक इट विद यू. ऐसा करना टाइम वेस्ट भी हो सकता है और काफी रिस्की भी हो सकता है. स्टेप 2, जिस पार्ट पर बाइट हुआ है वहां से बैंगल्स, चेन, रिंग्स निकाल देना, क्योंकि हाई पॉसिबिलिटी है कि उस एरिया में भारी स्वेलिंग होने वाला है. स्टेप 3, उस पार्ट को बाकी बॉडी से एक लोअर एल्टीट्यूड पे रखना. इफ पॉसिबल उस पार्ट को लाइटली बैंडेज करना. रिमेंबर लाइटली,
आपको उस ऑर्गन में कंप्लीट ब्लड फ्लो नहीं रोकना है, वो सिर्फ ऑर्गन को इमोबिलाइज करना है एंड जितनी जल्दी हो सके फ्रेंड या फैमिली की मदद से द नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचना। ट्रेडिशनल टेक्निक्स और सफेदों से दूर रहना। स्नेक वेनम काफी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से बनता है जिसका ट्रीटमेंट काफी मुश्किल हो सकता है, तो ये जरूरी है कि आप एक प्रॉपर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इसका इलाज लें। एंड फाइनली व्हाई आर स्नेक्स इंपॉर्टेंट, तो स्नेक्स आर समथिंग कॉल्ड मेसो प्रेडेटर्स, यानी कि वो फूड चेन में कहीं बीच में आते हैं, यानी कि वो प्रेडेटर स्पीशीज भी है और प्रे स्पीशीज भी है। फूड चेन में से स्नेक्स को निकालने से पूरा फूड चेन गड़बड़ा जा सकता है। फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स, बीइंग कार्निवोरस स्नेक्स काफी जरूरी होते हैं रैट पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। माना जाता है कि एक रैट स्नेक अपने लाइफ स्पैन में तकरीबन 10,000 तक चूहे खा सकता है और इसका डायरेक्ट फायदा होता है किसानों को और हमें। स्नेक वेनम एंड मेडिसिन, तो स्नेक वेनम की काफी सारे यूजेस है, जैसे कि ब्राजीलियन पिट वाइप का वेनम यूज होता है किडनी डिजीजेस में, स्ट्रोक में, डायबिटीज में एंड अ लॉट मोर। स्टडीज जारी है इस कोशिश में कि हम ब्लैक मांबा का जहर अल्जाइमर्स एंड पार्किंसंस जैसे डिजीजेस के ट्रीटमेंट में यूज करें एंड रैटल स्नेक्स वेनम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो स्नेक्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन यू थिंक, सो इट इज नेसेसरी दैट वी रिस्पेक्ट देम। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड also connect with us on Facebook, link in the description for science memes, and on Instagram where we have an interaction with the audience.